हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दूध छुहारे की रेसिपी से, जो कि मैं कल नहीं बना पाई थी और आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं आज बनाने जा रही हूँ इडली सांभर रवा डोसा। तो आज टिपिकल साउथ इंडियन डिनर हम करेंगे। हालांकि मैं इडली सांभर की रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें आज मैंने सूजी वाली इडली बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए फटाफट से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। दूध छुहारे की रेसिपी के लिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ाया है और ये काफ़ी हद तक उबल गया है। और अब ये देखिए, मैंने यहाँ छुहारों को काट लिया है। ये 4 से 5 छुहारे हैं जिन्हें मैंने अच्छे से काट लिया है महीन महीन। इसे मैं डाल दूंगी और साथ में ये कुछ मखाने हैं, इन्हें भी मैं डाल दूंगी। यहाँ पर मैं मखानों को साबुत ही डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इन्हें टुकड़ों में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पकते पकते दूध को गाढ़ा कर देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे साबुत ही डाला हुआ है। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी दूध के साथ। इसमें चीनी नहीं डाल रही हूँ मैं, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं और चीनी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की चटनी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप दोबारा से वो रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो ड्राई रोस्टेड मूंगफली थी उसे मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, ताकि ये छिलके इसके आसानी से निकल जाए। ये थोड़े से काजू और बादाम भी मैंने काट लिए हैं, ऐसे भी मैं डाल दूंगी इसी में। और अब हमें इसे बस मीडियम आँच पे पकाते रहना है, जब तक कि छुहारे बिल्कुल मुलायम ना हो जाए और ये दूध की क्वांटिटी उबल उबल के आधी ना रह जाए। तो यहाँ पर मैं मूंगफलियों को अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है, उसे निकाल के मैं रख रही हूँ प्लेट में ठंडा होने के लिए। और पैन में मैंने यहाँ पर सांभर के लिए सब्जियों को मुझे छौंकना है, जिसके लिए मैंने नॉर्मल कनोना ऑयल में चने की दाल, उड़द की दाल और साथ में करीब ये लाल वाली साबुत मिर्च भी मैंने 2 तोड़ के डाल दी है। और उसके साथ मैंने डाल दिया है राई को, और थोड़ी देर बाद जब राई चटकने लगी तो मैंने डाल दिया करी पत्ता। और यहाँ पे मैं प्याज स्लाइस करके मैंने रख लिया था 1 बड़ी साइज़ की, और इस प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। और जब तक मैं फ्राई हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ ये लौकी को, क्योंकि आज सब्जियों में लौकी के अलावा कोई और सब्ज़ी थी नहीं, तो मैं सिर्फ लौकी ही डाल रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हो। और यहाँ मैंने काटी तो थी पूरी लौकी, लेकिन आधी लौकी मैंने यहाँ पे डाली है, बाकी मैंने रख दिया है फ्रिज में कंटेनर में करके। और जब लौकी ये मैंने डाल दी है, उसके बाद मैंने कुछ मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे डाल दिया था ये सांभर मसाला, और साथ में मैं यहाँ पे डाल दूँगी कश्मीरी चिली पाउडर, जिससे कि कलर अच्छा आएगा। तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा जितना प्रोपोर्शन में आपको डालना हो। और उसके बाद मैं ये इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी लौकी को। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी और नमक। यहाँ पे नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि दाल को भी उबलते समय मैंने नमक डाला था जो कि कुकर में रखा हुआ है। और क्योंकि स्टील का ये पैन है, तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ढक के पकाऊंगी 4 से 5 मिनट तक, नहीं तो ये नीचे लग जाता है। हालांकि इस पैन में बहुत अच्छी कुकिंग होती है, मैंने जब से ये पैन लिया है मुझे ज़रा भी ये चिंता नहीं होती है कि ये नॉनस्टिक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी कुकिंग होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लौकी अच्छे से पक के गल चुकी है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो अब इस सारे ही मिक्सचर को मैंने डाल दिया है कुकर में, जिसमें मैंने ऑलरेडी दाल को उबाल के रखा था। और अब इसमें जो मसाला लगा हुआ है उसको भी मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सारा मसाला जो है वो अच्छे से अगर इसमें से निकल जाएगा तभी सही है। तो इसे मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने डाले हैं 3 से 4 टुकड़े कोकम के रखे हुए हैं मेरे पास, लेकिन अगर आपके पास कोकम ना हो तो आप जो पकी हुई इमली आती है उसे भी आप डाल सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भगोने में छुहारा वाला दूध भी तैयार हो रहा है, और इधर मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर रही हूँ,
जो कि मुझे रवा डोसा में डालना है। तो यहाँ पे जब तक मैं सांभर थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर रहा है मसालों को और ये दूध छुहारा बन रहा है, तब तक मैं सारी चीज़ें कट कर लूँगी जो मुझे रवा डोसा में डालना है, जैसे कि प्याज जो आपने अभी देखी। साथ में मैं यहाँ पे काट रही हूँ, मैंने काटी है 2 हरी मिर्च को, और ये हरी मिर्च काफ़ी तीखी वाली थी तो मैंने 2 ही डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ काट लिया है करी पत्ता को। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो दूध छुहारा है वो भी काफ़ी हद तक पक चुका है और उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सांभर था वो भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे मूंगफलियों को हनी ने आके मेरी हेल्प की थी, उसने सारी मूंगफलियों को छील दिया था, तो यहाँ पे मैं उसके तड़के के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और तड़का पैन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और अब उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चने की दाल, और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा उड़द की दाल भी। ये दोनों ही जाएगा लगभग 1 चम्मच के जितना। और उसके बाद थोड़ा सा जब ये पक जाएगा हल्का सा, इसे मैं चम्मच से इसीलिए कर रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसे मुझे मूंगफलियों के साथ पीसना था। तो जब ये अच्छे से पक गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, और साथ ही मैंने 2 साबुत हरी मिर्च को 2-2 हिस्सों में कर लिया था, उसे भी मैंने यहाँ पर डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है। और जब इसमें मार्क्स आने लगते हैं तब मैंने इसमें से इसे निकाल कर सबसे पहले जार में डाल दिया था मूंगफली को, और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सारे इस छौंक को, और उसके बाद मैं इस छौंक को इस मूंगफली के साथ पीस लूँगी मिक्सी में। और इसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, यहाँ पर पानी लगभग 1/2 कप के जितना जाएगा। और यहाँ पे दूध छुहारा मेरा तैयार हो गया है और उसे मैंने रख दिया है साइड में। और इसमें मैंने अभी चीनी नहीं डाली थी, लेकिन बाद में हस्बैंड को चीनी के साथ चाहिए था तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी चीनी डाल के इसे तैयार कर दिया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसे मैंने पीस लिया है और हमारा जो चटनी है वो तैयार है। अब हमें इसे एक फ़ाइनल तड़का देना होगा, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने ग्रेवी को पतला ही रखा था, तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि उसकी कंसिस्टेंसी मैं एडजस्ट कर सकूँ। सो अभी अभी आपने देखा कि मैंने ये चटनी तो बना ली है, ये मूंगफली वाली, और थोड़ी पतली रखी मैंने इसे क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला ही कंसिस्टेंसी चाहिए था, क्योंकि इसे हम रवा डोसा के साथ खाएंगे। तो फाइनली इसे मैं तड़का दे लेती हूँ, और मेरी हालत आप देख रहे हैं बहुत बुरी हो रखी है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा है। तो मैं फटाफट से इसे तड़का देती हूँ, और रवा डोसा का भी सारा इंग्रेडिएंट मैंने चॉप कर लिया है, बस मुझे असेंबल करना है, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं मूंगफली की चटनी को तड़का देने, जिसके लिए मैंने डाला है थोड़ा सा तेल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी उड़द की दाल। और यहाँ मैं चने की दाल का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी हार्ड रह जाती है फ्राई होने के बाद भी। तो जब यहाँ पर उड़द की दाल अच्छे से इसमें फ्राई हो गई थी और उसका कलर थोड़ा चेंज होकर वाइट से पिंक हो गया था, तब मैंने डाल दी थी इसमें राई लगभग 1 चम्मच के जितना। और राई हल्की सी छटकने लगी थी, तुरंत ही मैंने इसमें 1 साबुत लाल मिर्च और करी पत्ते को डाल दिया था। और अब मैं इस तड़के को हल्का सा फ्राई होने दूंगी जब तक मैं ये करी पत्ते पे वाइट वाइट पैचेस ना आ जाएं, तो हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। सो तड़का तो हमने दे दिया है, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला था, तो यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी मूंगफली की चटनी फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी लगती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये रवा डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है ये काफ़ी बड़ा चम्मच है, इससे सूजी ये जाएगी 2 चम्मच, 2 चम्मच सूजी, और चाहिए ये चावल का आटा, ये भी लगेगा 2 चम्मच, और इसमें जाएगा ये लगभग 1 चम्मच के जितना मैदा। अब इसमें जाएगी ये 1 बड़े साइज की कटी हुई प्याज, जिसे मैंने महीन चॉप कर लिया है, और इसके अलावा जाएगा ये 2 कटी हुई हरी मिर्च, और ये करी पत्ता। इसके अलावा हमें डालना है 1 चम्मच जीरा, और थोड़ी सी कटी हुई धनिया। और अब हमें इसमें पानी डालना है जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में जाता है, और इसमें आखिर में हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार,
अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पहले मैंने थोड़ा ही पानी डाला था क्योंकि ये मिक्सचर बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो आप देख रहे हैं अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें मैंने और पानी डाला था। और उसके बाद हमें इसे 10 मिनट के लिए रखना है अच्छे मिक्स करके, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, मैंने इडली को भी तड़का दे दिया है और सारी चीज़ें कर दी हैं। और अगर आपको याद हो तो मैं ये इडली स्टैंड लेके आई थी, लेकिन अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, तो आज मैं आपके सामने इसे यूज़ करने जा रही हूँ। ये देखिए, इडली का बैटर तैयार है और मैंने ये तड़के वाली इडली बनाई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने तड़का दिया हुआ है और अब मैं फाइनली इसमें इनो डाल दूंगी। ये जाएगा इसमें 1 चम्मच, जितना इतना। और अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनो के साथ, और मिक्स करते ही बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जो इडली के सांचे हैं उनमें हल्का सा घी लगा दिया था ताकि इडली अच्छे से निकल जाए। और इन सभी प्लेट्स में मैं भर दूंगी इन बैटर को। उसके बाद मैंने जो भगोना रखा हुआ है गैस पे, उसमें मैंने पानी स्टीम कर लिया है, तो उसके बाद मैं इस स्टैंड में डाल के इसे स्टीम करूंगी लगभग 8 से 10 मिनट तक के लिए। सो आपने अभी देखा कि मैंने जो इडली है उसके बैटर को स्टैंड में डाल के रख दिया है स्टीम होने के लिए। इसमें जाएगा कम से कम 8 से 10 मिनट। और रवा डोसा के जो बैटर में मैं अदरक डालना भूल गई थी, तो मैं डालने जा रही हूँ उसमें अदरक का पेस्ट, और ये घर का ही बना हुआ है। और इसमें मैं डालूंगी लगभग ये 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। मैंने रवा डोसा की मिक्सचर में अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है और मैं उसे 5 मिनट के लिए और रेस्ट दे दूंगी, ताकि अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स होके उसमें अदरक का फ्लेवर भी इन्फ्यूज हो जाए। जब तक मैं ये इडली सारी मेरी बन जाएगी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मेरी हालत आप देख रहे हैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गई हूँ मैं, बहुत बुरी तरीके से मुझे पसीना हो गया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे रवा डोसा बनाते समय। यहाँ पर मैं आ गई हूँ रवा डोसा बनाने। और पहले मैंने एक डोसा बनाया था लोहे के तवे पे, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से चिपक गया था, तो उसे मैं यहाँ नहीं दिखा रही हूँ। और यहाँ नॉनस्टिक वाले ही पैन को जो मैं पहले यूज़ करती थी, मैंने आपको दिखाया भी था, उसी पर मैं बना रही हूँ। और इस बैटर को पहले किनारों पर डालना था, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी और काफ़ी लेट भी हो गया था हम लोग को। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देखिए पैन में सारे बैटर को डाल दिया है, और अब ये जब थोड़ा सा सूख गया था काफ़ी हद तक, तब मैंने इस बैटर के ऊपर डाला है तेल, और लगभग 1 चम्मच के जितना तेल डाला है। और आप देख सकते हैं कि मैं मैक्सी में हूँ, तो इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इनफैक्ट हस्बैंड मेरे खाना खा भी चुके थे और ये रवा डोसा उनका खाने का मन नहीं था, तो ये डोसा मैं अपने और हनी के लिए बना रही हूँ। तो अभी आपको मैं पास से दिखाती हूँ। सो ये है फ्रेंड्स, देखिए हमारा रवा डोसा जो ऑलमोस्टली तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्प बना हुआ है। और कलर आपको थोड़ा डार्क लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा कलर आया है मेहरून। तो चलिए मैं अभी डोसा सर्व कर लेती हूँ। ये है फ्रेंड्स, मैंने जो दूध छुहारा बनाया था वो, और इसमें चीनी थोड़ी सी डाली है मैंने, लगभग 2 चम्मच के जितना पूरी क्वांटिटी में, ताकि हल्की सी मिठास आ जाए, क्योंकि हस्बैंड चीनी चाहते थे। तो अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट बैक कीजिएगा। ये है फ्रेंड्स हमारी आज रात की डिनर थाली, रवा डोसा, इडली, ये मूँगफली की चटनी, और ये है सांभर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।